एवरीवन, ग्रेट मैप्स के लेक्चर 8 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैप को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। टू डू दिस हम बटन्स ले लेते हैं टूल बॉक्स में जाके। ठीक है जी, सही, हमने दो बटन्स ले लिए हैं। ठीक है, एक का नाम हम बटन क्लॉकवाइज रख लेते हैं। ठीक है जी, और एक का नाम हम बटन काउंटर क्लॉकवाइज रख लेते हैं। ठीक है जी, और इसका जो टेक्स्ट भी है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये हमने काम कर दिया। बटन के क्लिक के ऊपर हमने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है जिससे हमारा जो मैप मूव हो जाएगा। ठीक है, वी जस्ट हैव टू राइट अ सिंगल लाइन कोड, जी मैप कंट्रोल 1.बेयरिंग। ठीक है, बेयरिंग क्या करता है कि हमें करता है अच्छा प्लस इक्वल स्टेप। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं GMapcontrol.Bearing माइनस इक्वल्स 10। ठीक है, 10 एक रैंडम वैल्यू ली हुई है क्योंकि हम जो है 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, बट वी वांट टू सी अ मेजर चेंज। जब हम क्लिक करें रोटेट तो हमें थोड़ा ज्यादा चेंज नजर आया रोटेट होता हुआ मैप, तो हमने 10 की वैल्यू ले ली है। यू कैन यूज इट 1, 2 एंड सो ऑन ना। और प्लस इज इक्वल टू इसलिए किया है क्योंकि हमने एक बार मैप रोटेट किया, हमें उससे आगे रोटेट करना, दैट्स व्हाई वी एडेड अ वैल्यू। ठीक है, रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है इससे। ठीक है, लेट्स रन द कोड। अच्छा, ये देखें कोड रन हो गया। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये अच्छा, तो ये चीज उल्टा हो गया है। क्लॉक वाइज जो है यहाँ पे हम करेंगे माइनस, क्योंकि क्लॉक वाइज इज दिस डायरेक्शन, और प्लस यहाँ करेंगे। ठीक है जी, तो अब ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज प्रॉपरली मूव करेगा। ठीक है, क्लॉक वाइज मूव करना है, दिस इज क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ द मैप। ठीक है जी, काउंटर क्लॉक वाइज मूव करना है तो दिस इज काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ द मैप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज गिव इट टू मी। आई विल ड्रॉप माई ईमेल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।